देखिए मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा जो नई उद्योग नीति बनाई गई है उससे देश भर के इन्वेस्टर छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं और निश्चित तौर पर पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट किया गया था लेकिन उसका प्रतिफल लाभ छत्तीसगढ़ नहीं पाया है। भूपेश बघेल सरकार के योजना से उद्योग प्रभावित हुए, यहाँ पर सस्ती बिजली है, जमीन की सुविधाएँ दी जा रही है, यहाँ पर जो वन संपदा है, जो खनिज संपदा है उसका पहली प्राथमिकता उसको यहाँ के उद्योग जो लगाएंगे उनको दिया जा रहा है। भविष्य बार का एक अच्छी योजना छत्तीसगढ़ में से इन्वेस्टर यहाँ पे लाभान्वित हो रही है, इसलिए यहाँ पे उनको लग रहा है कि यहाँ उद्योग लगाने से लाभ होगा, इसलिए अब आकर्षित हो रहे हैं। देखिए रमन सिंह की सरकार के दौरान तो सिर्फ एमयू होते रहे और एक प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाने का उदाहरण हुआ था। वो बॉम्बे में जाकर जो बॉलीवुड के स्टार है उधर एमयू करते थे, विदेश में जाकर करते थे, लेकिन उससे लाभ छत्तीसगढ़ जनता को नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ पे उद्योग नीति ठीक से बनाई नहीं गई थी। अभी भूपेश बघेल सरकार के द्वारा देश के सबसे अच्छी उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में बनाई गई है उससे यहाँ इन्वेस्टर जो है आकर्षित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की वित्तीय हालत क्या है किसी से छिपा नहीं है। सरकार ने यहाँ पर निवेश के लिए किसी प्रकार से अनुकूल माहौल नहीं बनाया है, न सिंगल विंडो की प्रणाली यहाँ पर लागू की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो हमने एमयू किए थे वो सारे एमयू के सरकार ने रद्द करके प्रदेश के बड़े निवेशकों के मन में कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना लाई है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और जो इन्वेस्टर मीट का आयोजन ये कर रही है पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। किसी प्रकार के बड़े घराने इस पर रुचि नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए सिर्फ हवा हवाई रहेगा, सिर्फ समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं।